Yeah, I'm all in. Brody on the line, I'm tapping in. Got out here pulling the strings for me. A girl on the line, she feeling me. TikTokers, chapara chapari. तो आज है दूसरा दिन, मैं हूँ भोपाल में। बेटी का तबीयत खराब था यहाँ पे, इसीलिए यहाँ आना पड़ा मुझे। वैसे तो ये रूट केदारनाथ के तरफ नहीं पड़ता है, और अभी मैं जा रहा हूँ, बाबू का ही कुछ दवा लाना है। सोचे निकल ही रहे हैं तो थोड़ा व्लॉग भी कर लें और भोपाल की गलियों में थोड़ा सा वीडियो भी बना लेंगे ना। बार बार मौका तो मिलता नहीं है भोपाल में घूमने का। जिस जगह पे मैं हूँ ये है बाग मुगालिया कटारा हिल। यहाँ मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है ना, खुला खुला रोड है। यहीं से अपने को लेना है लेफ्ट भेल संगम रजत विहार। तो अभी मैं जा रहा हूँ कृष्णा आर्केड। देख रहे हो नजारे कितना खुला खुला लगता है। पटना जैसे शहर से अगर इसको कंपेयर किया जाए स्पेस के मामले में तो ये लाख गुना अच्छा है। कृष्णा और केड़ा शायद यही वाला है। ये वाला सेरेलैक दे दीजिए, ये वाला लैक्टोजेन और एक बड़ा वाला ओमनी जेल। बग सारा कुछ है इनके पास। कितना परसेंट ऑफ किया इन पे? तो 15 है, इस पे तो 4% का ही है। अच्छा, 4% है। चलो सेरेलैक तो यहाँ मिला नहीं। पटना, मैं पटना से आया। थैंक यू। निकले हैं केदारनाथ के लिए। यहाँ पे मेरा ससुराल है, ये बाग मुगालिया में। नहीं, ये मेरा है, दहेज का नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नाम क्या हुआ आपका? पंडित नाम है मेरा। क्या जी? अरुण पंडित। A few moments later. ना काम हो गया। आप लोग को मैंने ये बताया नहीं, कल जो मैंने सोचा था कि मैं घर पहुंच के सरप्राइज दूंगा तो वाइफ का रिएक्शन रिकॉर्ड करूंगा, मम्मी और पापा का भी रिएक्शन रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन सब धरा का धरा रह गया। वो मेरी वाइफ, वो समझ गई कि मैं पटना से डायरेक्ट भोपाल ही आ रहा हूं। तो उसने तो पहले ही घर पे सबको माइंड से रेडी कर दिया था कि मैं यहीं आ रहा हूं। तो वो वाला मेरा प्लान चौपट हो गया। तो कल जो रिएक्शन था वो कुछ खास मिला नहीं, तो मैं वो चीज़ डाला नहीं। अब सीधे मैं अगले दिन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सुबह से मैं निकला नहीं था, लगभग 2 बज गया है। सुबह सुबह बाइक वॉश किया, बाइक पे स्टिकर्स वगैरह लगाया, अच्छे से सारा कुछ रेडी किया। 2000 years later. अभी हम लोग आए हुए हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर। शाम के 7:30 बज चुका है। बहुत ही सुकून मिल रहा है यहाँ पे आके। सडनली मेरा प्रोग्राम बना, ये हाइट पर है थोड़ा सा। मैं रात में आया हूँ ना, तो एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा। फैमिली टाइम एंजॉय करने के लिए अच्छा है, साथ ही साथ दर्शन भी हो जाएगा। तैयार होते हैं, उसके बाद निकलना है भोजपुर। भोपाल से 30 किलोमीटर दूर है, 17 किलोमीटर दूर है। आधा घंटा का टाइम दिखा रहा है, तो 1.5 घंटा में पहुंच जाएंगे। टाइम 10 बज चुका है और आज तारीख है 8 अगस्त 2023। इस बार लगता है मेरा बर्थडे केदारनाथ जी के धाम पे मनेगा। इतना लकी हूँ मैं, है ना। तो 2-3 दिन बचा है, तैयारी शुरू कर देते हैं यहाँ से केदारनाथ के लिए। मेमोरी कार्ड मैंने बुक कर दिया है। मेरे पास 32 GB का कार्ड था, जिससे मुझे बार बार फुल होने का डर हो रहा था और मुझे चेंज करना पड़ता था। अभी मैंने 128 GB का कार्ड बुक कर दिया है। आराम से पूरा एक दिन का तो व्लॉग में निकाल दूंगा। रेनकोट, छाता या रेनकोट, दोनों में से कोई एक चीज लेना है। I wanna tour and put on for the soil. Hey, bruh, remember they used to ignore us? Now they drop me the pin with the cord and they catch me running through the order. तो मैं अभी आया हूँ भोजपुर में। किसने बोला व्लॉग में ले लो, मैंने कहा ठीक है ले लेंगे। मेरा नाम दीपक रजक है, मैं भोपाल मानपुर जिले में रहती हूँ। 20 साल होने वाला है ना, देखने में लगता नहीं 20 साल के, जैसे मुझे 15-16 साल के लगते हो। कौन से क्लास में है? मैं 8th क्लास में हूँ। खुद भी सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी बोलना, ठीक है? देख लेगा, चल देखना जरूर वीडियो, ठीक है? A few moments later. ये मेरा यूट्यूब चैनल कहाँ लगेगा? कौन था बेटा, क्या था वो? त्रिशूल था। हो गया? कैसा लग रहा है? मुझे तो अपना दिख ही नहीं रहा है। सो टीका और चंदन लगा के अब हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने। काला मुख का बंदर यहाँ पे भी है। दे दो मुझे। प्लास्टिक बांधते हुए पहली बार देखते हैं। लाल कपड़ा बांधते हैं, प्लास्टिक बांधे है ना, उसको प्लास्टिक। Shiva,
निकल गए हम लोग दर्शन करके। छोटा सा एक वाक्य हो गया यहाँ पे, मैंने कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, मैंने प्यार से समझाया मैं वाइफ को, मंदिर है यहाँ ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, ना समझ होते हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं। टच कर रहा था यार वो, दो तीन बार तो मैंने देखा उसको टच करते हुए। सब निकलते हैं यहाँ से, शाम भी हो गया है, अंधेरा होने को है। चलो सर्विस ही करवा लेता हूँ बाइक का। मैं आया हूँ पावर होंडा में अहमदाबाद रोड पे भैया, थोड़ा चेकअप करवाना था बाइक का। पिकअप ठीक से नहीं दे रही है, ऊपर से माइलेज थोड़ा कम है, और 30 से 50 के बीच में चलाता हूँ ना तो थोड़े झटके देती है। हेलो सर, एक टेक्नीशियन को नीचे भेज दीजिए। इंस्टाग्राम स्टोरी डाल दिया गया, ब्लॉगर्स लाइफ। ये काम हुआ है एक बार बता देते हैं, हेड चेंज हुआ है इसका, कनेक्टर बदला जाएगा 100%। और कोई दिक्कत हो तो एक बार देख लीजिए, क्लच प्लेट भी चेंज हुआ है। यार मैं पूरा सही काम नहीं कराया, साउंड आ रही है ना, क्रैंक वगैरह के बैरिंग वगैरह सब बदले आ रहे हैं, क्रैंक वगैरह सब बनवाना पड़ेगा पूरा दोबारा से। क्लच प्लेट तो नया ही लगा है, सेटिंग सही नहीं हुई, इसका होजिंग कटा हुआ है कि क्या कटा, ये चीज देखना पड़ेगी ना अपन को। तो उसके लिए क्या क्लच प्लेट चेंज होगा या उसको सेट करोगे आप? नहीं नहीं चेंज होंगे, एक पूछ लो हॉर्नेट का है का नहीं, और कौन सा मॉडल है, 3 फुटी वाला है, 4 वाला। 2000 years later क्लच सेंटर है नहीं, एमपी नगर में देख लो आप, कोई को नहीं है ज्यादा दूर, ठीक है देखो आप दूर जाओगे इसलिए हम क्लियर बता रहे हैं भाई। ये तो बड़ा दिक्कत हो गया, हालांकि परेशानी दे दिया मेरे को, करवाने जाएंगे तो अच्छा खासा समय भी लग जाएगा और पैसा भी लग जाएगा, बजट गड़बड़ा जाएगा, तो क्या करना चाहिए समझ नहीं पा रहा हूँ। एम पी नगर में कहाँ बोला है, पर वहाँ चेक करूँ क्या? All of a sudden we major, still independent but no label. For now I'm going hard enough that the streams will lead to a house by the beach. All it is done with the speech, filling my pockets. Check करवाना है, कुछ 2-3 दिक्कतें आ रही है, एक बार देख लेगा। हाँ देखवा लेंगे ना, क्या क्या दिक्कत परेशानी है ये बता। इसकी लीड कॉइल मैग्नेट कॉइल चेक होगी भैया, कलच होगा, ट्यूनिंग हो जाएगी। अभी लंबा ट्रिप पे निकले। आप लोग को ये कहना था कि कभी भी कोई भी गाड़ी का आप सर्विस करवाने जाओ तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आपने जो भी काम कराया है इससे पहले सारी बातें इसको बताना, भले वो 10,000 किलोमीटर पे आपने कराया हो या 2,000 किलोमीटर पे। मेरे साथ यही दिक्कत हो रहा था, पहले मैं पावर होंडा गया, क्रैंक चेंज होगा, पिस्टन आपका चेंज हुआ है तो उसमें चेन आपका सही से सेट नहीं किया, क्लच प्लेट आपका चेंज होगा, क्लच प्लेट का जो बेयरिंग होता है वो सही से नहीं फिट किया तो उसमें दिक्कत होगा, बहुत सारी चीज़ें बताने लग गया चेंज करने के लिए, फिर बाद में पार्ट्स अवेलेबल नहीं है बोल के वहाँ से मुझे भेज दिया उसने एमपी नगर। फिर एमपी नगर गया साई समर्थ होंडा में, तो वहाँ पे भी वो 10 तरह की बातें बोलने लग गया, लीड कॉइल चेंज होगा, मैग्नेट कॉइल चेंज होगा, क्लच प्लेट चेंज होगा, इंजन हेड का काम बोला होगा। तो मैंने इसको पुराने देखने के लिए बोला था, उसने पुराना रिकॉर्ड देखा, उसको समझ में आ गया कि गाड़ी में काम हो चुका है, धीरे धीरे जाके उसने बहुत सारी चीज़ें अपनी लिस्ट से काटा, अदरवाइज़ वो बहुत लंबा बिल बनाने के फेर में था। साई समर्थ होंडा में मैं अपने आंखों के सामने काम करवाया, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सिर्फ 2-2,500 रुपये का खर्चा आया, एयर फिल्टर चेंज हुआ, इंजन ऑयल चेंज हुआ, कार्बोरेटर सेट किया, चोक वायर चेंज हुआ, ब्रेक वायर मैंने चेंज करवा दिया था, ब्रेक ऑयल मैंने चेंज करवा दिया था, और जो बाकी नॉर्मल सर्विस में होता है वो सारे काम मैंने इसमें करवा दिया, और कोई भी मेजर पार्ट इसमें चेंज नहीं हुआ जो कि पावर होंडा का इनिशियल इंस्पेक्शन में बताया था, और साई समर्थ वाले ने भी इनिशियल इंस्पेक्शन में जो बताया था कुछ भी ऐसा मेजर पार्ट चेंज नहीं हुआ। तो यही आपको बताना था, और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करके जाना, अगर अपने व्यूज़ देना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर जाना। आप सोलो केदारनाथ यात्रा के और भी सीरीज़ आने वाले हैं एपिसोड के तौर पर, तो कृपया करके सब्सक्राइब भी आप कर लेना। सो थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, टेक केयर। For now, for later, I want the picket for some sign of the neighbors. I used to skip out on the payments. Nowadays, I tax for the neighbor. Dog on the line, you ain't tapping in. I'm staying clear, fake rapper friends. Kamikaze on a traffic cam. So, हम पहुंच गए हैं क्रिसेंट वाटर एंड अम्यूजमेंट पार्क। 600 रुपए पर हेड टिकट है। अब डर लगा है। अरे वो कौन से प्लेटफॉर्म पे रुक गई? पहुंची नहीं अभी तक। मुझे मजा आया।